मथुरा के नगर पंचायत फरह में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। बता दें कि उसमें कस्बा के कवि पदाधिकरण व सभी नगर पंचायत फरह के लोगों ने जन्मदिन मनाया। साथ ही यह भी कहा कि हमारी सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी के विचारों पर चल रही है, इसी प्रकार हमारी सरकार चलती रहेगी और अटल बिहारी वाजपेयी जी की दीर्घायु की कामना की और पार्टी का मुखिया मानते हुए उनके विचारों को आगे बढ़ाने का पार्टी काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के चित्र को रखकर शॉल पहनाया व मिठाई खिलाई। बता दें कि दीनदयाल उपाध्याय जी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के परिणामों को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने सराहा और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अटल बिहारी जी के विचारों से कुछ सीखने की बात कही। इस अवसर पर पूर्व विधायक अजय कुमार पोइया, नगर पंचायत फरा चेयरमैन के पचौरी, सालगिरह बटिया अशोक शर्मा, के ठाकुर, राजदर्शन पचौरी, पप्पू शर्मा, संजू आदि लोग मौजूद थे। में ज्यादा नहीं पूछे ना, बताएं विधायक जी, आज पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मनाया गया, इनकी विचारधाराओं के ऊपर कैसे चलोगे, किस तरीके रणनीति बनाओगे आप लोग? भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक और इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज 25 दिसंबर को फरह भारतीय जनता पार्टी मंडल के तत्वावधान में जोश के साथ में हिंदुस्तान में ये पैगाम अपनी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मस्थली से पहुँचे कि इस हिंदुस्तान में पंडित जी द्वारा दिखलाई गई रोशनी, प्रेरणा, सुशासन के रूप में जो आगे बढ़ने का काम है, यहीं से यहीं सिरदेह अटल बिहारी वाजपेयी ने संदेश दिया था और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कर्मभूमि जन्मभूमि से लेकर यहाँ से ऊपर उठते उठते जहाँ भी क्षितिज पर गए हैं, पंडित दीनदयाल के सपनों का हिंदुस्तान बनाने के लिए एकात्म मानववाद का सिद्धांत को परिणत करने के लिए, लागू करने के लिए उन्होंने जो संदेश दिया है, हम भारतीय के विचारों से जुड़े माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये 93वां जन्म दिवस हम अपने कस्बा फरह में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं। उनके विचारों को, उनके आदर्शों को हम सभी कार्यकर्ताओं ने एक संकल्प के रूप में यहाँ लिया है कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो विचार हैं उनको हम दृढ़तापूर्वक मानते हुए जो आज भारतीय जनता पार्टी ने उनके जन्म दिवस पर सुशासन दिवस के रूप में ये दिवस मनाने की जागृति की है, इसको हम जन जन तक, हर गांव की इकाई तक, हर बूथ तक जनता में संदेश पहुंचाएंगे। पहला अधिवेशन सन 1980 में बंबई में बांद्रा में समता नगर बसाया गया, वहां अपने माननीय जननायक भारत रत्न पद्म विभूषण से विभूषित अटल जी ने भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्षता ग्रहण की और वहीं से मथुरा से सैयद जाहिद की रिपोर्ट।